और इसको आप शेडी एरिया में रखें या अंधेरे वाली जगह में रखें, कमरे में, कमरा है आपके छत के ऊपर या नीचे साइड में, जहाँ कुछ भी यूज़फुल या स्टोर वाला वो जगह हो उस जगह रख दें इनको ढककर। तो उससे क्या है, स्प्राउटेड बहुत ज़्यादा होगा। जब इसमें लीफ निकल के आ जाएं दोस्तों, तब आप धूप में रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं छोटी छोटी डिब्बियों में अलग अलग सीड्स तैयार करके रखती हूँ। ये अमरूद के सीड्स हैं जो हमारी भगवान जी की रेत वगैरह निकलती है, हम धूप बत्ती अगरबत्ती का डालते हैं दोस्तों, उसमें इकट्ठा करके रख लेते हैं कि कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं उसमें। ये आप देख रहे हैं, मैंने ये सीड्सों को डाल दिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मिट्टी रख देंगे। इसमें ये अमरूद के सीड्स हैं, जितने भी इसमें उग जाएंगे हम उनको अलग अलग से पेड़ में लगा देंगे। अभी हम एक साथ ही सारे इसमें डाल दिए हैं, थोड़े से दो तीन चार अमरूद के सीड्स से, जो खाने में नहीं आ पाते, मोटे रहते हैं, और निकाल के हम सीडलिंग के लिए रेडी रख लेते हैं। बस ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी रख दीजिए, आपके पास कंपोस्ट है तो कंपोस्ट रख दीजिए, और यदि आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट भी ढक के आप कोई भी सीडलिंग या प्लांटिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या यूज़ करना चाहें। कोई भी तरीके से आप प्लांट को उगा सकते हैं, कोई ये ऐसा विषय नहीं है कि मिट्टी ही होना चाहिए, चिकनी मिट्टी होना चाहिए या बालू वाली मिट्टी होना चाहिए। और सीधा कंपोस्ट में भी सब चीज़ें रहती हैं, आप कंपोस्ट में भी लगा सकते हैं। हम न्यूज़पेपर गत्ता जो रहता है बच्चों के बुक्स का, कवर नहीं रहना चाहिए प्लास्टिक का, वो सब डाल के इसमें कंपोस्ट में डाल के इसमें पेड़ पौधों में यूज़ करते हैं दोस्तों। उससे हमको बहुत फ़ायदा होता है कि इसमें केंचुआ आ जाते हैं, और केंचुआ जो है मिट्टी ही खाते हैं और मिट्टी ही उगलते हैं, जो पूरा हमारा कंपोस्ट का काम हो जाता है, और वो उपजाऊ मिट्टी रहती है पेड़ पौधों के लिए और बहुत फ़ायदेमंद होती है केंचुआ वाला, उसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, और वो हम घर में ही रेडी कर लेते हैं इस तरीके से पेपर न्यूज़पेपर वगैरह डालकर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों आपने घंटी का बटन दबाया है कि नहीं, इसको दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले डालते ही दिख जाएगी, क्योंकि न्यू व्यूअर आप ही रहेंगे, मेरे को इसकी खुशी होगी। इसी के लिए मैं आपसे कह रही हूँ दोस्तों कि आप ही सबसे पहले नए व्यूअर बने मेरे। थैंक यू दोस्तों, कीप माई वॉचिंग।